लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर देख सकते हैं कि कमर्शियल एक्टिविटी काफी ज्यादा है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तौसीफ शाह फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ टाइटेनियम ग्रुप। आज आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम बैरिया टाउन फेस 4 के अंदर एक न्यू डील आई है, न्यू ब्लॉक आया है, उसके वाले से डिस्कशन करेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। इस टाइम हम मौजूद हैं बैरिया ऑर्चर्ड फेस 4 की मेन एंट्रेंस के ऊपर। यहाँ से अपनी वीडियो का आगाज करते हैं और चलते हैं ब्लॉक की लोकेशन के ऊपर और वहाँ पर आपको डिटेल कंपेरिजन देते हैं डिफरेंट जो पुराने ब्लॉक थे उनके जो अवेलेबल कटिंग्स थी और उनकी प्राइसिस का और जो न्यू डील आई है इसके वाले से। तो हम चलते हैं वीडियो का आगाज करते हैं। जैसे ही हम बैरिया फेस 4 के अंदर एंटर होते हैं आप हमारे लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर देख सकते हैं कि कमर्शियल एक्टिविटी काफी ज्यादा है। इस साइड के ऊपर 15 कनाल का जो एक मॉल है वो अंडर कंस्ट्रक्शन, उसका ग्रे स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट रेडी है और उसका फिनिशिंग का काम जा रहा है और उसके ऑपोजिट 7 कनाल के 2 शॉपिंग मॉल और अंडर कंस्ट्रक्शन, उनका भी ग्रे स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट है और फिनिशिंग के फेज़ में वो हैं। जैसे ही हम बैरिया फेस 4 के मेन बुलेवार्ड में आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो इसके डिफरेंट ब्लॉक्स हैं उनकी एक्सेस आ जाती है जिसके अंदर G1 से लेके G6 तक है। ये इसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्लॉक्स थे, अब इसके अंदर न्यू ब्लॉक आया जिसको G7 का नाम दिया गया है, उसकी लोकेशन के ऊपर चलते हैं और आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। लेफ्ट साइड के ऊपर G5 ब्लॉक है और राइट साइड के ऊपर अगर आप देखते हैं तो G6 ब्लॉक है। यहाँ पे जो मेनली कटिंग है वो 10 मरला की है, 5 मरला के यहाँ पे काफ़ी लिमिटेड से प्लॉट्स हैं। इसी का यही एक मेन मकसद था कि G7 ब्लॉक देने का, क्योंकि उसके अंदर जो हमारे पास मेनली कटिंग है वो 5 मरला की है और उसके अंदर 10 मरला भी अवेलेबल है लेकिन वो काफ़ी लिमिटेड प्लॉट्स हैं। मेनली उसके अंदर जो फोकस किया गया है वो 5 मरला को किया गया। हम पहुंच चुके हैं अपने ब्लॉक की लोकेशन के ऊपर जो कि न्यू ब्लॉक लॉन्च हुआ है बैरिया ऑर्चर्ड फेस 4 के अंदर G7। अगर हम बैरिया ऑर्चर्ड के मेन बुलेवार्ड के ऊपर आगे बढ़ते हैं तो 1 से 1.5 किलोमीटर के बाद इसके बाद 3rd राउंड अबाउट आता है जिसकी राइट साइड के ऊपर हमारे पास G6 ब्लॉक है और लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास G5 ब्लॉक आता है। इस टाइम मैं मौजूद हूँ G5 ब्लॉक के अंदर। मेरी बैक साइड के ऊपर आप देख सकते हैं जो बाउंड्री वॉल की गई है ये एरिया G7 के लिए एक्वायर कर लिया गया है। इसके अंदर जो हमारे पास मेनली कटिंग है वो 5 मरला की अवेलेबल है और लिमिटेड सी कटिंग हमारे पास 10 मरला की अवेलेबल है। 5 मरला की और 10 मरला की कटिंग की प्राइसेस के वाले से अगर मैं बात करूँ आपके साथ तो जो 5 मरला की प्राइसेस हैं वो 36 से लेके 40 लाख की ब्रैकेट के अंदर फॉल करती हैं और इसी तरह 10 मरला की जो कटिंग है वो 56 से लेके 59 लाख की ब्रैकेट के अंदर फॉल करती हैं। ये न्यू डील आई है तो ये ओपन लेटर के ऊपर है, इसके ऊपर कोई ट्रांसफ़र चार्जेस नहीं पड़ते। जो बैरिया की 5 मरला और 10 मरला के आपके पास ट्रांसफ़र चार्जेस होते हैं, आपको 5 मरला के ऊपर 4.75 लाख रुपया और 10 मरला के ऊपर 8.75 लाख रुपया, वो आपको नहीं पे करने पड़ते। प्लस इसकी पेमेंट के लिए आपके पास 3 मंथ्स का टाइम मिल जाता है क्योंकि ये न्यू डील है तो इसकी 50% से बुकिंग हो रही है और 50% आपको 3 महीने के टाइम पीरियड के अंदर पे करना है। बैरिया ऑर्चर्ड फेस 4 के अंदर अगर हम जो एग्जिस्टिंग ब्लॉक्स हैं उनके वाले से थोड़ा सा कंपैरिजन दें न्यू डील के हवाले से तो यहाँ पे हमारे पास 6 ब्लॉक्स हैं जिनको G1 से लेके G6 तक का नाम दिया गया है। अगर इनके अंदर मैं आपके साथ कैटेगरीज की बात करूँ तो G1 और G2 के अंदर हमारे पास जो मेनली कटिंग है वो 1 कनाल की कंसीडर की जाती है और इससे ऑनवर्ड G3 से लेके G6 तक जो मेनली कटिंग है वो 10 मरले की कंसीडर की जाती है। इन 6 ब्लॉक्स के अंदर जो लिमिटेड सा एरिया है जिसके अंदर हमारे पास 5 मरला की कटिंग अवेलेबल है,
इनकी अगर मैं प्राइसेस की आपके साथ बात करूं तो 5 मरले का जो प्लॉट है इन ब्लॉक्स के अंदर वो 55 लाख से लेके 60-70 की ब्रैकेट के अंदर फॉल करता है डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द प्लॉट। और सेम इसी तरह ही 10 मरले का जो प्लॉट है वो 65 से लेके 90-95 की ब्रैकेट के अंदर फॉल करता है। इस चीज़ को कंसीडर करते हुए अगर आप फेस 4 के अंदर जो G7 का न्यू ब्लॉक आया उसके अंदर आप प्लॉट की प्राइसेस को देखें तो वो इस टाइम के ऊपर काफ़ी रीज़नेबल हैं। बैरिया की तरफ से हमेशा ये कोशिश रही है कि वो न्यू डील्स निकालें काफ़ी रीज़नेबल प्राइस के ऊपर ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं और एंड यूज़र हैं जो यहाँ पे अपना घर बनाना चाहते हैं उनको काफ़ी फ़ायदा हो। अगर आप इनकी प्राइसेस को देखते हैं तो इस टाइम काफ़ी रीज़नेबल हैं और बैरिया के अंदर जो लाइफस्टाइल है और जो एमिनिटीज़ हैं उसको काफ़ी प्रीमियम कंसीडर किया जाता है। इस फैक्टर को माइंड में रखते हुए यहाँ पे मिनिमम भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है लो बजट में रहते हुए और मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट भी की जा सकती है, लेकिन दोनों इन्वेस्टमेंट के जो एंड यूज़र्स हैं उनको जो एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो सेम ही होती है क्योंकि यहाँ पे जो लाइफस्टाइल है उसको काफ़ी प्रीमियम कंसीडर किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया बैरिया फेज़ 4 के अंदर जो कमर्शियल एक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये जो कमर्शियल पट्टी आप देख रही हैं इस साइड के ऊपर एक हाई राइज कमर्शियल प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट होने वाला है, उसकी कंस्ट्रक्शन काफ़ी जल्दी जहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी जिसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 1,75,000 से कर सकते हैं और जो उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट है वो 8,000 है। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास रेंटल इनकम का भी बेनिफिट है कि अगले 3 साल के लिए आपको रेंटल इनकम मिलती रहती है जो कि वेरी करती है आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर आप कोई भी यूनिट फुल पेमेंट के ऊपर लेते हैं। बैक साइड के ऊपर आप देखते हैं तो ये भी 5 मरला हाउसेस का जो है ना एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो हमारे पास मेडोज विलास और सवारी विलास के नाम से है। यहाँ पे हमारे पास ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के ऊपर 5 मरला के घर 2 बेडरूम हॉल्स के साथ अवेलेबल हैं इजी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर। इसका फेज़ 1 एक साल पहले लॉन्च किया गया था जो कि इस टाइम कंप्लीट हो चुका है, 1.5 साल की पेमेंट प्लान था। इसका फेज़ 2 आ रहा है उसके अंदर हमारे पास जो है बुकिंग चल रही है और आप 1.5 साल की इजी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर ये भी बाय कर सकते हैं। बैरिया टाउन और बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा न्यू डील्स आई हुई हैं जिसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट से लेके आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 5 मरला के प्लॉट्स में, 10 मरला के प्लॉट्स में और कमर्शियल प्लॉट्स के अंदर। और काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटी इस टाइम पे अंडर कंस्ट्रक्शन है और बहुत ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इस टाइम कंप्लीशन के स्टेज के ऊपर हैं। इस हवाले से इन्फॉर्मेशन के लिए या बुकिंग के हवाले से इन्फॉर्मेशन के लिए आप स्क्रीन के ऊपर मेंशन मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा यही नंबर व्हाट्सएप और ईमो के ऊपर भी अवेलेबल है अपने ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।